हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग बैंक के स्टेटमेंट चढ़ाते हैं। बैंक के स्टेटमेंट चढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है, वो एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। फिर इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यह लिखा है SBI, दिख रहा है ना? मतलब SBI बैंक का यह स्टेटमेंट किस बैंक का है? SBI बैंक का स्टेटमेंट है। और अकाउंट होल्डर नेम दिया है क्या? लक्ष्मी बिल्डर्स। ठीक है, मतलब यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? लक्ष्मी बिल्डर्स का है। सपोज मान लो मेरे कंपनी का, मेरे फर्म का नाम क्या है? लक्ष्मी बिल्डर्स। समाया क्या है? लक्ष्मी बिल्डर्स। तो देखो अकाउंट नेम में क्या आएगा? लक्ष्मी बिल्डर्स आएगा। अगर मेरे कंपनी का नाम है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां पर क्या आएगा? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अकाउंट नेम में उस फर्म का नाम आएगा जिससे रिलेटेड, जिसका खाता है और व्यापार को चलाया जाता है। उसका एड्रेस दे दिया है, रामकोला कसिया रोड, रामकोला कुशीनगर, रामकोला देवरिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है? उसका पिन कोड दे दिया है। उसके बाद से डेट बताया जा रहा है कब का स्टेटमेंट है यह। उसके बाद से यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया है, ब्रांच दे दिया है, ड्राइंग पावर क्या दिया है? ड्राइंग पावर। और जो ड्राइंग पावर लिखा गया कितने का दिया गया? 10 लाख रुपए का दिया गया है। अब क्या होता समझना, इंटरेस्ट रेट बता रहा है 10%, CIF नंबर दिया है, IFC कोड दिया है, MICR कोड दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे कब का बैलेंस यह मेंशन हो, मतलब समझिएगा। अभी तक हम केवल बैंक ओडी बना दे रहे थे, बैंक SBI बना दे रहे थे, कोई डिटेल नहीं भर रहे थे। आज हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं। अब सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले क्या मतलब है? ये लक्ष्मी बिल्डर्स जो है ना, वो बैंक से लोन लिए हैं। क्या लिए हैं? बैंक से लोन लिए हैं। ठीक है, तो आप बताओ, बैंक से जो लोन लिए हैं तो SBI का कौन सा अकाउंट बनेगा? SBI का ODI अकाउंट बनेगा। किसका लिए हैं? SBI का ODI अकाउंट बनेगा। सर कहो, सर ये कैसे पता चला आपको? देखो बैलेंस माइनस में दिखा रहा है, कितना दिख रहा है? 6,83,319। और दूसरा पता करने का तरीका क्या है? देखो ड्रॉइंग पावर दिया गया है, मतलब इतने रुपए तक वह पैसा निकाल सकते हैं। कितना? 10 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी 1 रुपया खाता में नहीं रहेगा तभी तो। समझ बात है आपको? मतलब यह लक्ष्मी बिल्डर्स का ओडी का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट नहीं है, करेंट अकाउंट नहीं है, यह लोन वाला अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? लोन वाला अकाउंट है। और सबसे इसी से ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हमेशा व्यापारी ऊपर पैसा कभी रहता है कभी नहीं रहता है। और ओडी में खाता खुलवा लिए हैं, यह 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी से भी पैसा कट जाएगा, बस टाइम से पहले उस पैसे को पे कर देना होगा। किनको? लक्ष्मी बिल्डर्स। हमारा ना ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड नाम सुने हो ना, सेम उसी के जैसा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा लिमिट दूसरा रहता है, इसमें लिमिट थोड़ा दूसरा। तो चलिए, तो यही रिपोर्ट हमको मिला है कब का? 1 मई तक का। कब तक का? 1 मई। और 1 मई का जो ओपनिंग बैलेंस हो कितना है? 6,83,319.44। और उसके बाद से, इसके बाद भी हम और क्वेश्चन किए, मतलब 1 मई का ओपनिंग समय है ना, मतलब अप्रैल 30 अप्रैल का पूरा बैलेंस ला के कहाँ दिखा दिया? 1 मई में, समझ रहे ना? और 1 मई के बाद से जितना हम क्वेश्चन किए हैं, 1 मई से लेके 30 तारीख तक रहेंगे। तो देखो 1 मई, 1 मई, 1 मई, 1 मई, उसके बाद से देखो 2 मई, 2 मई, दिख रहा है ना आपको? 2 मई, 2 मई, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? यहाँ पे 3 मई का क्वेश्चन है, ऐसे एक एक करके दिखाया जा रहा है। मतलब क्या है? यह बैंक स्टेटमेंट है। कैसे चढ़ाएंगे, क्या प्रोसीजर है, वो हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं और जानने वाले हैं।
तो चलिए पहले तुम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं। पहले कंपनी बनाने के बाद से अकाउंट कैसे बनाएंगे यह सीख लेते हैं। ड्राइंग पावर कहाँ सेट करते हैं यह सीख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालेंगे यह सीख लेते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन की बात की जाएगी। तो चलिए आते हैं टैली में और सिस्टमेटिक तरीके से आज जानते हैं। अच्छा और अपने कंपनी में काम करें तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हम पहले सोडी अकाउंट बनाया, बहुत क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हम शुरू से आपको करके दिखा रहे हैं, या उसी में एक नया बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उतना अच्छे समय में नहीं आएगा, इसीलिए आते हैं अल्ट प्लस एफ थ्री क्रिएट और डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्या, लक्ष्मी ट्रेडर्स बिल्डर्स है ना, डायरेक्ट पूरा उसी के हिसाब से बना देते हैं। एड्रेस एस्टेट पिन कोड 0 दूसरा 5 है, मोबाइल नंबर दिया है नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दे रहा है, देगा और कुछ नहीं है, छोड़ो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, होशियार हो गया, कैसे बनाना। हो जाएगा, अब आएंगे क्रिएट पे और आएंगे कहाँ, लेजर में। कहाँ पे आएंगे, लेजर में। और नेम, तो नेम बनाएंगे SBI ओडी अकाउंट, समझे। इंटर दबाएंगे, क्या है, बैंक ओडी। अब देखो करा सेट ओडी लिमिट, वही ड्रॉइंग पावर। ओडी लिमिट कितना दिया गया है, ओवरड्रॉफ्ट 10 लाख। तो बता दिया इनसे कि जो लोन लायबिलिटी, लोन ले सकते हैं कितना ले सकते हैं, 10 लाख। छोट हो जी। अब देखो अकाउंट होल्डर नेम आ गया ना, लक्ष्मी बिल्डर्स, बोलो कुछ नहीं करना है। अब अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, यही है 3 से लेके ना, इसे लिख दिया है, उतना बड़ा अकाउंट नंबर है। अच्छा इसे दे दिया है, आता भी है कई ठो, पूरा चढ़ा दो, का दिक्कत है। कितने अंक का है, कई है, 14 अंक का भी होता है, 17 अंक का, लो पूरा ही लिख दो। ठीक, खुश। चलो IFC कोड सेट कोड, यह सबको नहीं मिलता है, इसका इस्तेमाल कब किया था, जब विदेश से पैसा मंगवाना होता है। कहाँ से, विदेश से पैसा मंगवाना होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। ब्रांच अब कुछ नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस क्या है, 6,83,319, 6,83,319
384 है ना जी, 83, 319 रुपया 44। ठीक है, 6,83,000 और 319 रुपया 44 पैसा, ऐसे भरना है आपको भी। इंटर एक्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं। अभी हमने चढ़ा दिया, जो डिटेल था वो हमने दे दिया। अब देखो, यह तो 30 तारीख का था, तो 1 मई में निकल के आया था इधर। बोलो, इतना ओपनिंग आ गया था किसका, मई का। अब इसके बाद व्यापार करना बंद कर देंगे, करेंगे। अब उसके बाद से देखो, फिर से कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ 1 मई से लेके 31 मई तक। अब स्टेटमेंट आ गया, अब हमको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? अब कई लोगों को ये टेंशन होगा कि सर ये स्टेटमेंट कैसे आता है। तो जो भी हम लोग बैंकिंग लेन देन करते हैं वही स्टेटमेंट होता है, वही निकल के आता है बैंक से। बिजनेसमैन जाते हैं, निकलवाते हैं। कुछ बैंक ऐसे जो मेल पे भेज देते हर महीने, सुनो ना, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, जो बैंक से लेन देन किए, अपने बैंक से जो लेन देन किए, किसी को पैसा दिए हैं, किसी से पैसा लिए हैं, बैंक में कोई पैसा जमा किए हैं, कभी निकाले हैं, ट्रांसफर किए हैं, मतलब जो बैंकिंग लेन देन करते हैं उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। वो कौन देता है? बैंक वाला देता है। और उसी स्टेटमेंट को अपने कंप्यूटर से मैच कराना होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट हमको दिया है वो मेरे कंप्यूटर में मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया दिख रहा है तो मेरे कंप्यूटर में 10 लाख बैंक में दिख रहा है कि नहीं। अगर 2 लाख कर्जा दिखा रहा है तो 2 लाख मेरे में कर्जा दिखा रहा है कि नहीं। उसी स्टेटमेंट को चढ़ाना होता है, वो बैंक से ही मिलता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं, जब तक लेन देन करेंगे नहीं, तब तक बैंक स्टेटमेंट मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी बैंक जो है वो तुरंत आपको मेल पे भेज देता है बैंक स्टेटमेंट, हर महीने का दे देगा, 2 महीने के एक बार दे देगा आपको। ये कैसे सेंड कर देते हैं सर, जो भी लेन देन किए सब भेज देते हैं, अपना चढ़ाते रहिए, समझ रहे ना। और कुछ लोग जाके निकलवाते हैं कि हमारा स्टेटमेंट थोड़ा निकाल के दे दीजिए, किसका, बैंक का। ठीक है, वो दे देता है बैंक वाला, अलग चढ़ाते रहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे ना आप लोग को? चलिए नीचे आते हैं। उसके बाद से क्या बता रहा है, डेट बता रहा है 1 मई। क्या बता रहा है? 1 मई। ठीक है, 1 मई का यह है वैल्यू डेट भी 1 मई बता रहा है। कह रहा है डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो क्वेश्चन का मतलब है। कह रहा कैश डिपॉजिट हुआ था, कैश डिपॉजिट सेल। अब ध्यान से सुनो, जैसे हम क्वेश्चन बना बनाएगा वो देते थे, वैसे बना बनाएगा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इतने से अब समझ लेना है कि कौन से वाउचर में जाएगा। कैश डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और उसका ब्रांच कोड ये दिया है, यहाँ कोई मतलब नहीं है इस समय। क्रेडिट बता रहा है, क्रेडिट हुआ है अकाउंट, कौन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कितने रुपए का, 11,980। तो देखो अभी 83 से लेके कहाँ चला गया, 671 पे, मतलब पैसा 83 यहाँ पे था और 11,000 घट गया, अभी 71 पे आ गया, समझे आपको सर कैसे हुआ है। तो समझना आपको, मैं शुरू में पढ़ाया था और आज भी बता रहा हूँ। देखना जब भी आपके खाते में पैसा आता है तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट रुपीज इतना, लिखता है ना। मतलब जब खाता में पैसा आता है तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट, और जब किसी को पेमेंट करते हो तो डेबिट होता है। जब किसी को पेमेंट करते तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ध्यान रहे, ये जो पैसा 11,980 रुपया 980 रुपया बैंक में आया है, अब कैसे आया है, तो साफ साफ लिखा है कैश डिपॉजिट किया गया। कैश क्या किया गया है, मतलब बैंक में जाके कैश जमा किया गया है। और बैंक में जो जमा किया गया है तो आप बताओ, अब देखो बैंक के हिसाब से क्या होता है, जब पैसा आता है तो क्रेडिट होता है अकाउंट, और जब जाता तो डेबिट होता है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है,
कि पाने वाला है तो डेबिट करो और देने वाला है तो क्रेडिट करो। तो आप बताओ, बैंक पाने वाला है कि देने वाला? पाने वाला। तो आप जनरल एंट्री करो तो क्या होगा, डेबिट होगा बैंक की क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, ध्यान से समझना, तब तो मैच करेगा। नहीं तो सर यह क्रेडिट में हम भी क्रेडिट कर देंगे, जानते हो क्या होगा, 83 से हो जाएगा 7 लाख, पैसा बढ़ जाएगा। समझ रहे बात है आपको ना, मतलब घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि लोन था 83 और उसमें से कुछ पैसा हम डिपॉजिट कर दिए तो क्रेडिट हो गया अकाउंट, मतलब खाते में पैसा आ गया, और खाते में पैसा आ गया तो 83 से 71 हो गया। तुम्हारा ना, तो जो हम डेबिट क्रेडिट करने का रूल है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो कि क्रेडिट में आया है तो हम अपने अकाउंटों में डेबिट में क्यों कर रहे हैं, समझे ना। तो देखो वो बैंक अपने हिसाब से काम कर रहा है, हम अपने हिसाब से काम करें, बैलेंस हमारा मैच कर जाए। समझ बात है आपको ना, बैंक अपना रिपोर्ट देता है, हम अपना रिपोर्ट चलाएंगे, बैलेंस मैच करना चाहिए। मेरे हिसाब से भी सही सही मैच करना चाहिए, उसके हिसाब से भी सही सही मैच करना चाहिए, तब हम क्वेश्चन अच्छे से काउंटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये दिमाग आपको लगाना है कि अभी तक हम क्वेश्चन दे रहे थे, पढ़ पढ़ के समझ समझ के करना हो। तो चलिए आते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और मान लो यह व्यापार हमने स्टार्ट भी किया था, कितना पैसा लगा के? हाँ तो हम आ जाते हैं, ऑल्ट सी कर देते हैं, ठीक है, और दे दिया प्रोपराइटर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितना था? सपोज 10 लाख रुपए लगाया था, क्रेडिट क्रेडिट कर दिया कैश। अच्छा गलती कर रही है ना, कैश रहेगा, रिसीट वाउचर रहेगा ना, या 6 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 कैश बस। अब क्वेश्चन करते हैं इस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और आप बताओ बैंक से रिलेटेड है ना, और आपसी लेन देन तो F4 बटन दबाएंगे, कंट्रा वाउचर में आएंगे, और क्या करेंगे इस बार कैश को, तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ 10 लाख, ठीक है, और उसी 10 लाख में से हम क्या कर रहे हैं, 11,980 रुपये जमा कर दे रहे, समझे। चलिए 11,980 किसको दे दिया, SBI OD को। तो देखो जैसे इंटर दबाएंगे यहाँ पे आ गया 6,71,339 रुपये 44 पैसा आया है, यही मैच करना चाहिए। बोलो अब कहो सर क्यों डेबिट किए हो, बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट किए हैं, और कैश व्यापार से जा रहा है इसीलिए क्रेडिट किए, बस बहुत सिंपल है। कर कितने का कितना नोट था नहीं पता था, डाउट समाया। चलिए नीचे आते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर से कैश डिपॉजिट, फिर से कैश डिपॉजिट हो रहा है, कितना हो रहा है इस बार, 1,50,000 रुपए जमा हो। तो देखो वो पैसा घट के देखो कितना था, 6,71 से एक बार आ गया 5,21, दिख रहा आपको कितना आ गया, 5,21। आते हैं क्या करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे ना, कितना सही, 1,50,000 से SBI OD को, देखो कितना आ गया, 5,21,339,44 पैसे। यही होता है स्टेटमेंट कि हमारा और बैंक वाला मैच करना चाहिए, और मैच कैसे करना चाहिए, बढ़िया भी नहीं, जो रूल है उसके हिसाब से, हमारे से बैंक पाने वाला है तो डेबिट किया, और कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया, ये नहीं कैसे भी करके बराबर लेके चले हैं, ठीक है, ध्यान देना। इंटर एक्सेप्ट, नोटों को विवरण दे देते हैं, अच्छा रहता है जब रहेगा डिटेल तो।
पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बनाइएगा पूरा, बनाने के बाद से दो क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, उसके बाद जितना है सब अलग है थोड़ा। अगला है देखो, 1 मई का फीस वही है, डू ट्रांसफर एंड INB पाइप फिटिंग, और यहाँ पे कुछ नंबर दे रहे हैं, ट्रांसफर टू हो रहा है इस खाते में, और नाम है हर्ष ट्रेडर्स। अब समझना क्या हो रहा है, मतलब जो हर्ष ट्रेडर्स है इनसे हमने क्या किया, कुछ सर्विस लिया है, क्या लिया है? सर्विस लिया, कुछ खरीदा है, ठीक है। अब क्या खरीदा है डिटेल हमको नहीं पता, किसमें नहीं पता है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन हम खरीदे तो हमको पता होगा ना आपको, ये कहां से, तो हर्ष का नाम आ गया है, तो हर्ष के खाते में हमने पैसा क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो जब हर्ष के खाते में पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक वाला बस बता दिया है किस खाते में हर्ष ट्रेडर्स का नाम से क्या किया है, ये पैसा डिपॉजिट कर दिया है, दे दिया है, तो आप बताओ ये पैसा इनको कब देंगे, हर्ष ट्रेडर्स को माल खरीदे होंगे या तो एडवांस पैसा लिए होंगे, यही तो सकता है, या तो एडवांस पैसा लिए होंगे तो देंगे, अरे तो कोई माल खरीदा होगा उधार तो देंगे, यही तो दो रीजन आ सकते हैं पैसा देने के कारण, बोलो, या आप एडवांस दिए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ किए होंगे, लिए भी हो सकते हो दिए भी हो सकते हो, लेकिन आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इस बार हम देखो हमारा अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ, मतलब हम पैसा हमारे खाते से कटा दिया, कितना रुपया, 29,793 रुपया, तो देखो वही पैसा 5/21 से हो गया फिर से 5 अकाउंट, मतलब पहले था मेरे पास 5,21,000 का लोन, और फिर से पेमेंट कर दिया 29,793, तो लोन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपको सर कैसे आप जान गए कि हर्ष ट्रेडर्स को ही दे रहे हैं, तो साफ साफ लिखा गया हर्ष ट्रेडर्स को दे रहे हैं, कैसे जान गए क्या बैलेंस है, तो ध्यान देना दो ही तरीका हो सकता है आपको सर, हम कैसे पता करें कौन सा तरीका हो सकते हैं, तो आप बताओ जब तक हर्ष से खरीदोगे नहीं पेमेंट कर दोगे खाते से, क्या क्या मतलब है, मतलब यह है कि पहले हम क्वेश्चन किए होंगे, किसका क्वेश्चन किए होंगे, परचेज का, परचेज किए तब तो पेमेंट किए होते खाते में, पेमेंट किए होंगे तो बैंक वाला क्या करेगा, परचेज का रिपोर्ट हमको देगा नहीं, हम पेमेंट किए बस उसका रिपोर्ट दे, किसको दिए बस उसका रिपोर्ट दे, और कोई रिपोर्ट देगा क्या, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से फिक्स है कितना रुपया, 29,793 रुपया, किनके नाम से, फर्स्ट ट्रेडर्स के नाम से, कहो सर ये कैसे, और उनसे उधार माल खरीदे थे इतने रुपए का, वही पैसा हमने किससे पेमेंट कर दिया, बैंक से, मतलब जहां काम करने जाओगे चाह रहेगा पहले ही, क्या चाह रहेगा पहले, बकाया पैसा, समझे ना, बकाया पैसा पहले चाह रहेगा, बस बैंक स्टेटमेंट आएगा तो बस क्या कर लेंगे उसको मैच करा के चढ़ा देंगे, बस सर आपको ना, तो बहुत सिंपल तरीका है, आसानी तरीके से किया जा सकता है, अब कैसे करोगे, तो अगर आज हम करके दिखाएं तो 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक बार परचेज करेंगे तब पेमेंट करेंगे, और जहां पे काम करोगे आप वहां भी 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन जब स्टेटमेंट आएगा तो एक ही बार करना पड़ेगा, कहो सर क्यों, क्योंकि परचेज हम पहले से कर दिए होंगे, तभी तो पेमेंट किए होंगे, तो स्टेटमेंट हमको आया है कि पहले जानते थे 29,000 का खरीदेंगे उनसे, बोलिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो यह मान के चलते हैं, मान के क्या, जहां काम करेंगे 100% वह खरीदे ही होंगे, उतना तो पेमेंट किए होंगे, लेकिन हम इस समय आपको समझाने के लिए पहले तो हम परचेज के एंट्री एक पास करेंगे, और उसके बाद से तब हम पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, कैसे करेंगे वो सिंपल है, आ जाते हैं, क्या दबाएंगे, F5 नहीं, F9 और कंट्रोल प्लस सी एच कर देंगे, एज वाउचर कर देते, नंबर दे देते हैं, डेट दे देते हैं, और मान लो मई का है पैसा हम पेमेंट किए हैं, तो मान लो अप्रैल में खरीदे होंगे, बोलो, 1 तारीख आया तो मान लो उससे पहले तो खरीदे होंगे, फसल्ट सी, ठीक है जी, अल्ट सी, और बना देंगे हर्ष ट्रेडर्स, क्या है हमारे संडे क्रिएटर, डिटेल नहीं पता छोड़ देते, तुम लोगों को क्यों नहीं पता होगा, होगा पता कि उनसे माल खरीदते हो बेचते हो, अरे यहां नहीं दिया
कितना रुपया? 29,000 इतना ही दिखा दे रहा बकाया, 29,793। अब कोई जरूरी नहीं है, एक ही बिल का हो सकता है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, एक बार 7, एक बार हो सकता है कि 9,793, बोलो, एक बार हो सकता है 10,000, एक बार भी 10,000, 3 क्वेश्चन का भी हो सकता है और एक बिल का भी हो सकता है, बोलो। और तीनों 3 दिन खरीदारी के दिन पेमेंट कर दिया, तो कौन जानेगा, जो काम करता हूं वहां पे वो जानेगा। हम कैसे समझाना था समझा दिए, न्यू रेफरेंस, बस बैक आएंगे। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, देख रहे हो, क्या करिए, लेजर बना नहीं है तो क्रिएट, देखो वहां पे ऑप्शन दिया है, क्योंकि और कोई लेजर बना ही नहीं है, इंटर दबा दो, क्रिएट का ऑप्शन खुल जाएगा। क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट कर देते हैं, लोकल बनाने की जरूरत नहीं है, टैक्स से रिलेटेड कोई काम करना नहीं, परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल आने दो, एज पर कंपनी, गुड्स, नया आइटम नहीं देना है, बस बकाया दिखा दिया है। अब बस क्या करें, कुछ नहीं करें, वो सिंपल है, ये 5 बटन दबाइए और पेमेंट करना है ना हमको, तो पेमेंट किसको करना है, हर स्टेटस को, तो न्यू रेफरेंस के उतना पैसा आ जाएगा, बोलो। इंडब्लिस्ट क्रेडिट किसको करना है, SBI OD को, यही है सिस्टमेटिक तरीका बैंक स्टेटमेंट में। देखो आ गया 5 लाख इक्यावन 132 बचे वाली पैसा, बोलिए, बस इंटरसेप्ट इतना ही आना चाहिए, हमारा भी देखो उतना आ गया, इनका भी यही आ गया, मतलब हमारा बैंक स्टेटमेंट मिल रहा है जो, और मेरा बैंक में जो हम खुद अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हमारा लेजर बना है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस यही देखना होता है, बोलो। अब मैच नहीं करे तो देखें कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो बैंक वाला जल्दी देगा देगा ही नहीं, गलती गलती आएगा तो तुम्हारे भी थोड़ा बहुत गलती आएगा, समझे ना, एक एक रुपया का हिसाब देगा वो, जहां पे जितना काटा होगा सारा। चलिए 3 क्वेश्चन है और